आपकी बुक का है तो वो है ट्रायल बैलेंस। अब एक बात बताओ, सारे बच्चों को प्रेजेंटेशन दिख रही है? ठीक है, ओके, मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। जरा सारे बच्चों, हम जा रहे हैं करने बेटा ट्रायल बैलेंस। सबसे पहले जरा ट्रायल बैलेंस का हम फॉर्मेट देखते हैं। फॉर्मेट में क्या है बेटा, सबसे पहले हेड ऑफ द अकाउंट, मतलब आपके पास जो आइटम्स गिवन होंगे, देन लेजर फोलियो, देन उसके बाद डेबिट और क्रेडिट। अब ट्रायल बैलेंस बनाना आपके लिए सबसे इजी काम होता है। उसका रीजन ये है क्योंकि बेटा आपको ना क्वेश्चंस गिवन हो, मतलब क्वेश्चन में कुछ आइटम्स गिवन होंगे, आपको उन आइटम्स में से आइडेंटिफाई करना होता है ये आइटम डेबिट साइड जाएगा या ये आइटम क्रेडिट साइड जाएगा। अब किसी भी आइटम का डेबिट और क्रेडिट पता करने के लिए हमें क्या करना होता है बेटा, आइटम्स को समझना पड़ता है। अब एक बात बताओ, अगर एसेट इंक्रीज होता था डेबिट या क्रेडिट? डेबिट बेटा। गुड मॉर्निंग चंचल। लाइबिलिटी या फिर कैपिटल? लाइबिलिटी या फिर कैपिटल अगर इंक्रीज होती थी तो वो क्या होता था, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट, बिल्कुल ठीक है। तो मतलब ये है कि आपको ये चीज समझ में आया कि एसेट मतलब डेबिट होगा, लाइबिलिटी और कैपिटल मतलब क्रेडिट होगा। सारे बच्चे इस बात से क्लियर है? ठीक है, ओके। एक बात बताओ, जितने भी एक्सपेंस या लॉसेस होते हैं वो आपके लिए डेबिट होते हैं या क्रेडिट होते हैं? डेबिट होते हैं। ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस क्या होते हैं? संभव डेबिट होते हैं। और ऑल इनकम एंड गेन्स ये क्या होते हैं, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट होते हैं। सो बेटा आप, हाँ बिल्कुल सही जवाब है। आपको ना क्वेश्चन में क्या होगा, कुछ आइटम्स गिवेन है, उनके अमाउंट गिवेन होंगे, आपको क्या करना है, डेबिट वाले आइटम्स को डेबिट साइड पोस्ट करना है, क्रेडिट वाले आइटम को क्रेडिट साइड पोस्ट करना है, और अगर आपके उन दोनों का टोटल इक्वल आया तो दैट मीन्स आपने ट्रायल बैलेंस बिल्कुल सही बनाया है। बात समझे सब लोग? ठीक है, अब ये है फॉर्मेट। अब सबसे पहले जैसे सपोज करो, मैं आप लोग को ना एक क्वेश्चन बताता हूं, जैसे कि सपोज करो क्वेश्चन नंबर, अच्छा एक और चीज बताना भूल गया बेटा, जितने भी जीएसटी इनपुट होंगे, जितने भी इनपुट जीएसटी होंगे, मतलब इनपुट सी जीएसटी, इनपुट एस जीएसटी और इनपुट आई जीएसटी, बेटा ये डेबिट होंगे या क्रेडिट? डेबिट, बिकॉज अगर हम इनपुट करते हैं तो बेटा हमारी तरफ से एक्सपेंस होता है। सो ऑल इनपुट जीएसटी विल बी डेबिट। एंड अब इसके हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे, आउटपुट सी, आउटपुट जितने भी जीएसटी होंगे बेटा वो क्या होंगे, क्रेडिट। चलो एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है, और एक क्वेश्चन हम फिर क्या करते हैं, वो करते हैं, क्या नाम है, फिर सॉल्व करने को देता हूं, ठीक है, रुको। फॉर एग्जाम्पल कैश बेटा आपके लिए एसेट, लाइबिलिटी या कैपिटल? एसेट। डेबिट या क्रेडिट? डेबिट, ओके। बेटा फिर कैपिटल? ओके। परचेजेस? ओके। ए परचेजेस, ओके। देन बेटा सेल्स? ओके। अब एक बात बताओ, अगर परचेज डेबिट है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट, ओके। बेटा सेल्स, सेल्स क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न, ओके। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन मतलब बेटा ट्रांसपोर्टेशन पे कुछ खर्च हुए होंगे, अब ये बताओ एक्सपेंस है, डेबिट। डिस्काउंट अलाउड, बीइंग अ बिजनेस पर्सन अगर आपने डिस्काउंट अलाउ किया आपके लिए इनकम या एक्सपेंस? अच्छा ठीक है। प्रिंटिंग? ओके ठीक है। सन्ड्री डेटर्स एसेट या लाइबिलिटी? एसेट। हाँ जैन बोलो। देखो बेटा सपोज करो मैं सेलर हूं, मैंने तुमको क्रेडिट का सामान बेचा, अब मेरे पास मतलब तुम मेरे लिए क्या बन गए, डेटर बन गए,
तो मेरे लिए एसेट हुए कि नहीं? सेंट्री का मतलब बिजनेस, समझे? ओके, नेक्स्ट पॉइंट। उसके बाद इनपुट के जितने भी जीएसटी बेटा, अब अच्छा, देन उसके बाद सेंट्री क्रेडिटर्स, ओके, इन्वेस्टमेंट डेबिट, ओके, प्लांट एंड मशीनरी, ओके, बिल्डिंग 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 और फर्नीचर, ओके, पोस्टेज, ओके, ड्राइंग्स, ओके। अगर आप लोग को समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 6, 2 मिनट्स, सॉरी 2 नहीं, 3 मिनट्स विद टोटल करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी से। जल्दी से हाँ, फर्नीचर क्या होता है, एसेट या लाइबिलिटी, बस इतना बताओ। अच्छा, एसेट है तो कहाँ जाएगा, अब ये बताओ। डेबिट। लवण्या ध्यान से सुनना बेटा, क्या नाम है, क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं, ट्रायल बैलेंस करना है। डेबिट और क्रेडिट में आइटम पोस्ट करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल बेटा डेबिट होगा या क्रेडिट? लवण्या, कैपिटल डेबिट होगा या क्रेडिट? हाँ बोल बेटा। स्टॉक आपके लिए एसेट होता है, ठीक है, एसेट है तो कहाँ जाएगा, जल्दी से। तो बेटा ध्यान रखें, और जहां पे आपको कोई एसेट दिया है वो डेबिट साइड जाएगा, जहां लाइबिलिटी या कैपिटल दिया है वो क्रेडिट होगा, जितने भी एक्सपेंस हैं वो डेबिट होंगे और जितने भी इनकम्स हैं वो क्रेडिट होंगी। इसी के हिसाब से आपको एनालाइज करके पोस्ट करना है। जितने भी इनपुट जीएसटी हैं वो डेबिट होंगे एंड जितने भी आउटपुट जीएसटी हैं वो क्रेडिट होंगे। जल्दी से। बैंक क्रेडिट मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो अगर क्रेडिट बैलेंस है तो कहां, लाइबिलिटी बैलेंस है, कहां जाएगा? ये तो मेंशन ही था, जैसे कि कमीशन क्रेडिट लिखा है तो मतलब कमीशन हमें मिला होगा, ये भी कहां जाएगा, क्रेडिट साइड। जल्दी जल्दी जल्दी, जल्दी बच्चों जल्दी। बेटा अच्छा, सिर्फ सैलरी लिखा है तो बेटा एक बात बताओ, अगर तुम्हारा बिजनेस है तो तुम बिजनेस में से सैलरी लोगे? तो फिर दोगे, एक्सपेंस है।
मॉडलिंग कौन करेगा है, पोस्टिंग हो गई। बिल्कुल, क्योंकि कमीशन क्रेडिट मतलब कमीशन मिला है आपके लिए, इनकम हो गई। बिल्कुल नहीं, कमीशन क्रेडिट मतलब हमें कमीशन मिला है यानी हमारे लिए इनकम हो गई। ऑल इनकम एंड गेन्स आर सिद्धांत, ऑल इनकम एंड गेन्स क्रेडिटेड। हेलो, मतलब कमीशन क्रेडिट में तो ऑब्वियसली क्रेडिट साइड ही जाएगा। चलो जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। गलत आ गया। चलो फिर एक बार हम कर ही लेते हैं हम। तो मैं आप लोग को ऐसे पोस्ट कर रहा हूं, ये फॉर्मेट है। यहां पर आता है हेड ऑफ द अकाउंट, सीस का है हेड ऑफ द अकाउंट, फिर यहां पर लेजर फोलियो जिसके अंदर कुछ नहीं आएगा, फॉर्मेट है ये, देन डेबिट एंड देन क्रेडिट, समथिंग 3,41,000 है शायद इसका आंसर है। हाँ 3,40,000। अच्छा अब इधर देखो, कैपिटल अकाउंट आ जाएगा 1,25,000, फर्नीचर एंड फिटिंग्स कहाँ जाएगा, फर्नीचर एंड फिटिंग्स 6,400 डेबिट साइड, मोटर कार बिल्डिंग ट्रेड डेटर्स। मैं ना सिर्फ अमाउंट अमाउंट लिख दूं चलेगा, 62,500, 75 और 3,800, 38,000। देन उसके बाद टोटल क्रेडिट है 25,000 के, ऑब्वियसली क्रेडिट साइड जाएगा, लाइबिलिटी है, देन बैड डेट एक्सपेंस होता है 1,250 डेबिट साइड, देन ओपनिंग स्टॉक 34,600। अब एक बात बताओ, ओपनिंग स्टॉक एसेट है या लाइबिलिटी, जल्दी बताएं बेटा सारे बच्चे। एसेट है तो ओपनिंग स्टॉक, हाँ ओपनिंग स्टॉक भी हमारा फिर कहां जाएगा, बोलो डेबिट साइड। ठीक है कर लेते हैं इसको जल्दी से। तो ओपनिंग स्टॉक अमाउंट कितना, ओपनिंग स्टॉक का 34,600, देन परचेज 54,750 ऑब्वियसली डेबिट साइड, इनपुट जीएसटी दोनों एक 3,000 का है, और आउटपुट सी जीएसटी 1,500 इधर जाएगा, देन सेल्स ऑब्वियसली क्रेडिट साइड जाएगी, इनकम होती है 1,54,500, देन बैंक का क्रेडिट बैलेंस है यानी ओवरड्राफ्ट है, लाइबिलिटी है तो कहाँ जाएगा क्रेडिट साइड 28,500, देन परचेज रिटर्न क्रेडिट साइड 1,250, कमीशन क्रेडिट है 3,750, देन सेल्स रिटर्न 2,000 डेबिट साइड, देन एडवर्टीजमेंट 2,500 डेबिट साइड, देन इन्वेस्टमेंट अकाउंट इंटरेस्ट यानी डेबिट साइड लिखा है यानी पे क्या होगा 1,180, देन इंश्योरेंस कैश बैलेंस एसेट होता है 6,500, इंश्योरेंस एंड टैक्सेस पे किया है 12,500, देन सैलरीज पे किया है 4,820, 4,820, ओके, एंड देन आउटपुट 1,500। बेटा सबने यही पोस्ट किया है, लवण्या यही पोस्ट किया है, लवण्या अरोड़ा एडवर्टीजमेंट डाल तो दिया, कितना था 2,500, देखो लवण्या तुम्हें समझ में आया, लवण्या बेटा तुम्हारी टोटलिंग गलत हुई है, पक्की बात है। अगर यही किया है तो आंसर गलत नहीं हो सकता बेटा, टोटलिंग मिस्टेक की होगी फिर। अच्छा आगे बढ़े,
आगे बढ़े। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा है आप लोग को? फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेजर दिख रहा है? अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, हो सकता हो कि आपसे आप मतलब आपको क्वेश्चन गिवन होगा, ठीक है, आपने बिल्कुल सही सही पोस्टिंग भी की होगी, लेकिन आंसर आपका सही नहीं आएगा। अब यहां पर क्या होता है, ध्यान से समझना, यहां पर ट्रीटमेंट होगी सस्पेंस अकाउंट की। वो बताता हूं कि होता क्या है। कई बार ऐसा होता है बेटा कि जैसे कि आपका बिजनेस है, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, सारी चीजों को रिकॉर्डिंग की, बट एक बात बताओ, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपने बिजनेस में कुछ आइटम्स को रिकॉर्ड करना भूल गए हो? ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा बेटा, आपको ये आइटम्स दिख रहे हैं, आपने ये आइटम्स को हर जगह पे बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट प्लेस पे जो है पोस्ट किया है, बट फिर भी आपका आंसर नहीं आएगा बेटा। तो उस केस का मतलब ये कि कहीं ना कहीं बिजनेस से कुछ गलती हुई है। तो बेटा जिस साइड जितना बैलेंस कम आएगा, हम उस बैलेंस को किससे डिनोट करेंगे? सस्पेंस अकाउंट के नेम से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो आपको क्वेश्चन में गिवन है कैश 80,000, आपको गिवन है बेटा परचेज लेट्स से 1 लाख, आपको गिवन है बेटा सैलरीज लेट से 20,000, आपको बेटा गिवन है कैपिटल 1,50,000, और आपको गिवन है बेटा सेल्स लेट से 60,000। अब अगर एक बात बताओ, मैं इसको अगर ट्रायल बैलेंस में पोस्ट करूं तो बेटा कैश कहां जाएगा, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? डेबिट साइड। कितना? 80,000 परचेज चला गया डेबिट साइड, सैलरी चला गया डेबिट साइड, ओके। कैपिटल कहां जाएगा बेटा? क्रेडिट साइड, 1,50,000। और सेल्स कहां जाएगा? अच्छा, अब जरा अच्छा एक बात बताओ, ये आइटम्स गिवन थे, हमने सारे आइटम्स को सही सही प्लेस किया है? अच्छा, अब जरा टोटलिंग करके बताओ बेटा, क्रेडिट साइड कितना आ रहा है? 210। लेकिन डेबिट साइड कितना आ रहा है बेटा? 2 लाख। दैट मींस यहां पर हमसे गलती हुई है या बिजनेस से गलती हुई है? अच्छा, किस साइड कम आ रहा है, कितना कम आ रहा है बेटा? तो बेटा ये 10,000 हम यहां पर लिखेंगे किस नेम से? सस्पेंस अकाउंट। सारे बच्चे क्लियर है, ठीक है? अच्छा, सो अगर सारे बच्चे क्लियर है, सो क्वेश्चन नंबर 7 आपको ये बताना है कि इसमें सस्पेंस अकाउंट किस साइड आएगा बेटा। शुरू करें। वो तो तुम यहां तुम्हें दिख रहा है ना, अभी पहले स्टार्ट तो करो उस क्वेश्चन को, ये तो सॉल्यूशन दे रखा है। शुरू करें बेटा, शुरू करें जल्दी से। बिल्कुल, अगर परचेज डेबिट है तो परचेज रिटर्न क्या होगा? क्रेडिट होगा, बिकॉज परचेज रिटर्न मतलब गोज आउट। बिल्कुल, परफेक्ट। जल्दी करें बेटा, जल्दी करें। हाँ बेटा, लोन एडवांस का मतलब हमने लोन दिया है। अब देखो, अगर हम लोन लेते हैं तो हमारे ऊपर मतलब बिजनेस के ऊपर लाइबिलिटी आएगी, अगर हमने किसी को लोन दिया अब वो हमारे लिए एसेट हो जाएगा?
अगर ऐसे हो गया तो कर लो बेटा जल्दी से। दे बच्चों का आंसर आया जल्दी जल्दी जल्दी। बिल्कुल बुक डेट मतलब डेटर्स। अब मैं बताना शुरू करूं जल्दी। बुकेट्स आपके डेटर्स होते हैं। डिस्काउंट क्रेडिट मतलब हमने डिस्काउंट रिसीव किया है, अगर हमें डिस्काउंट मिलेगा हमारे लिए इनकम या एक्सपेंस, ठीक है आ जाएगा। चलो जल्दी से
जल्दी। मैं शुरू करूं बताना? हाँ वो मुझे पता है। अच्छा बताओ, तुमने पहली बार किसी ऐसे बिजनेस का कैलकुलेशन किया होगा ना जिसका टर्नओवर भी 1 करोड़ से ऊपर का ट्रायल बैलेंस का टोटल जा रहा हो, है ना? अच्छा होता है बेटा, 1 करोड़ में कितने जीरो? ये देखो 7 जीरो होते हैं। जी सर। नहीं, अगर आपने, अब जैसे सपोज करो तुमने क्वेश्चन किया, ठीक है, तुम्हें हर एक चीज तुमने सही सही पोस्ट की, फिर भी मैच नहीं हो रहा, दैट मींस कि उस क्वेश्चन में जो है सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करना है। तो मैं 7 जीरो की बात कर रहा हूं, वो 8 जीरो बोल रहा था ना। चलो मैं हल्का हल्का डिस्कस कर रहा हूं, जल्दी जल्दी बेटा, क्योंकि इसके बाद फिर एक क्वेश्चन और इसका बचा है जो कि इंपॉर्टेंट है। कैपिटल 75 लाख, क्रेडिट साइड प्लांट 15 लाख, डेबिट साइड कैश इन हैंड 2500, डेबिट साइड कमीशन रिसीव्ड 1,75,000, क्रेडिट साइड डिस्काउंट, डेबिट साइड परचेज रिटर्न, क्रेडिट साइड इंटरेस्ट रिसीव्ड, क्रेडिट साइड रिपेयरिंग चार्जेस, जनरल एक्सपेंस, वेजेस, फर्नीचर, सेल्स रिटर्न, लोन एडवांस्ड, ऑफिस सैलरी, सारे के सारे डेबिट साइड, बिल्डिंग स्टॉक एसेट बैंक रेट्स टैक्सेस एंड इंश्योरेंस डेबिट साइड, देन डिस्काउंट क्रेडिट सेंड्री क्रेडिटर्स क्रेडिट सेल्स क्रेडिट बुक डेट्स डेबिट रेंट परचेज कैरेज फ्रेट डिलीवरी वैन ट्रैवलिंग एक्सपेंस ड्रॉइंग्स डेबिट। सबने सही सही पोस्टिंग की है? सबने? ठीक है, तो बेटा फिर इसके बाद आप इसकी टोटलिंग करोगे, जिस साइड जितना कम आएगा, जितने का बैलेंस होगा उसको आप सस्पेंस अकाउंट से फिर बैलेंस कर लोगे। सारे बच्चे क्लियर? अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 दिख रहा है? सबको दिख रहा है? अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 में बेटा पता है मिस्टेक क्या है? अगर आप सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो तो क्वेश्चन के लैंग्वेज में क्या बोल रखा है बेटा, रीड्राफ्ट करेक्टली द ट्रायल बैलेंस गिवन। इसका मतलब ये कि आपको क्या नाम है इसका, ट्रायल बैलेंस जो है उसको जो है रीड्राफ्ट करना, मतलब दोबारा से पोस्टिंग करनी है और सही सही पोस्टिंग करनी है। अब इस केस में ऐसा होता है बेटा कि कुछ आइटम्स को डेबिट साइड पोस्ट कर रखा होगा लेकिन उनको जाना होगा क्रेडिट साइड, और कुछ आइटम्स बाय मिस्टेक क्रेडिट साइड पोस्ट कर रखा होगा जो कि एक्चुअल में डेबिट साइड के हैं। बात समझ में आया? तो आप क्या करोगे, डेबिट वाले आइटम्स को डेबिट साइड पोस्ट करोगे, क्रेडिट वाले आइटम्स को क्रेडिट साइड पोस्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्वेश्चन नंबर 10 देखो, डेबिट बैलेंस आपको पहले गिवन है, डेबिट बैलेंस में पहला आइटम है कैपिटल, तो बेटा कैपिटल डेबिट होता है या क्रेडिट? क्रेडिट होता है। बात समझ में आई सब बच्चों के? पहला पॉइंट ओके। फिर गिवन है बेटा बैड डेट्स रिकवर्ड, बेटा बैड डेट रिकवर्ड नहीं, बैड डेट रिकवर्ड का मतलब होता है बेटा कि आपका, हाँ, इनकम इनकम हो गए, मतलब एक्सपेंस खत्म हो गए या कम हो गए। तो अगर एक्सपेंस कम हो गए तो मतलब आपके लिए इनकम है। तो सपोज करो मैं बैड डेट हो चुका था बट आप मुझसे अगर कुछ पैसे रिकवर कर लो तो वो आपके लिए इनकम होता है। सो बेटा बैड डेट रिकवर्ड कहाँ जाएगा, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड। लेकिन यहां पर पोस्ट कर रखा है डेबिट साइड तो आपको उसको रिकरेक्ट करना होगा। क्रेडिटर्स कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड। रिटर्न आउटपुट का मतलब क्या होता है, परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न? सेल्स होता है। अरे भगवान,
बेटा परचेज रिटर्न होता है, परचेज रिटर्न डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी होती है, कहां जाएगा? ठीक है, अच्छा ये सारे आइटम्स डेबिट में दे रखे हैं, लेकिन इन आइटम्स को हमें कहां पोस्ट करना होगा? क्रेडिट में पोस्ट करना होगा। रेंट डेबिट में दे रखा है, सैलरीज डेबिट में दे रखा है, बाकी सारे आइटम्स डेबिट के ही हैं। जरा क्रेडिट बैलेंस देखो, पहला आइटम डिपॉजिट्स डेटर्स दे रखा है। बेटा डेटर्स आपके लिए एसेट होते हैं या लाइबिलिटी? हाँ, और अगर एसेट है तो उसको हमें डेबिट साइड पोस्ट करना होगा। बैंक डिपॉजिट, बेटा बैंक में हमने पैसे डिपॉजिट किए हैं, एसेट या लाइबिलिटी? एसेट, ये भी कहां जाएगा? डेबिट साइड। डिस्काउंट अलाउड, ड्रॉइंग्स, रिटर्न इनवर्ड, ये तीनों भी कहां जाएंगे? डेबिट साइड। एंड देन इसका आप फिर से टोटलिंग करोगे और इक्वल आया तो इसका मतलब आपने सही सही पोस्टिंग की है। सारे बच्चे क्लियर? हाँ, 1 लाख, 1 करोड़ 43 लाख। बेटा क्लोजिंग स्टॉक आपके लिए हमेशा एसेट होता है, डेबिट साइड। हाँ जी बेटा, ओके। सो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, एक होमवर्क दे रहा हूं जो कल परसों यानी ट्यूसडे मॉर्निंग तक सबका सबका मेरे पास आना चाहिए। ये पीडीएफ मैं आप लोग को शेयर करूंगा, इसके हर एक क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके मुझे सेंड करोगे। बात समझ में आई सबके? व्हाट्सएप पे सबको ये बात समझ में आई? ओके ठीक है, अब मिलते हैं जरा नेक्स्ट, उसमें नेक्स्ट चैप्टर पे। सो ट्रायल बैलेंस हमारा अब जाकर के बेटा कंप्लीट हुआ, ठीक है? सारे बच्चे क्लियर हो गए ट्रायल बैलेंस से? ओके, नेक्स्ट चैप्टर एक हमारा है बेटा प्रोविजन एंड रिजर्व। अब हम उसे समझना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? आप लोग देखोगे तो मेरे हिसाब से ये चैप्टर नंबर शायद 15 है। क्यों बच्चों, क्यों लीव करोगे ईशान? अरे बेटा ये इकोनी अकाउंट्स ही है। चालू आदमी। ओके, मेरी बात ध्यान से सुने बेटा, नेक्स्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 15 विच इज प्रोविजन एंड रिजर्व, हाफ एन आवर के अंदर इस चैप्टर को हम वाइंड अप करेंगे और बड़े आराम से कंप्लीट हो जाएगा। उससे पहले जरा इन हाँ मैं जो तुम्हें दूंगा ना बेटा उसमें इलस्ट्रेशन वैसे भी नहीं होता, सिर्फ क्वेश्चंस ही होते हैं। मेरी बात ध्यान से बेटा, ट्यूसडे मॉर्निंग, ओके। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, नया कॉन्सेप्ट है प्रोविजन एंड रिजर्व। मेरी बात ध्यान से सुनना सुनना बेटा कि ये दोनों चीजें होती क्या है। दोनों के दोनों चीजें अगर आप नोटिस करो तो बेसिकली एक रिजर्व होता है, मतलब एक पैसा रिजर्व करते हो आप। प्रोविजन रिजर्व किया जाता है, मतलब प्रोविजन के अंदर बेटा पैसा सेव किया जाता है, ठीक है, फॉर नोन लाइबिलिटी, फॉर नोन लाइबिलिटी। जबकि बेटा रिजर्व के अंदर आप पैसा सेव करके रखते हो, ठीक है, टू स्ट्रेंथ योर बिजनेस पोजिशन। अब एक एक करके एग्जाम्पल बताता हूं, ठीक है, फिर समझ में आएगा। बिजनेस पोजिशन, मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, एक बात बताओ। अब जैसे आप लोग तो अर्न नहीं करते हो, आपके पेरेंट्स अर्न करते हैं, मैं अर्न करता हूं, क्या हम लोग कुछ सेविंग्स करते होंगे? अच्छा, सेविंग्स क्यों करते हैं बेटा? फ्यूचर के लिए, मतलब ये कि जितना एक पर्टिकुलर अर्निंग वाला आदमी, मतलब कोई भी इंसान जितना ज्यादा सेव करेगा उतनी ही ज्यादा उसका फ्यूचर सिक्योर्ड रहेगा, ऐसा बोल सकते हैं? अच्छा जरा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना बेटा, अगर बिजनेस ने सपोज करो बिजनेस हर साल प्रॉफिट कमाता है और उस प्रॉफिट में से कुछ पैसा रिजर्व में रख लेता है, तो कल को जब भी कोई अनसर्टेनिटी आएगी उसके पास रिजर्व में अच्छा पैसा रहेगा, तो उसके बिजनेस की स्ट्रेंथ या पोजीशन अच्छी रहेगी उस टाइम पे। देन हमारा बिजनेस है,
और तुम अपने बिजनेस में पैसा सेव करके रखते हो, रिजर्व बना के रखते हो, तुम्हारे बिजनेस की पोजीशन अच्छी रहेगी कि नहीं, या फिर समझ में नहीं आया? अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, जरा प्रोविजन की बात करते हैं पहले। अभी हमने कुछ समझा नहीं, अभी हम एक बार ओवरव्यू समझ रहे हैं। प्रोविजन का मतलब ही होता है कि कोई लाइबिलिटी है या कोई लॉस होने वाला है, आप उसके लिए कुछ पैसा बचा के रखते हो। अब एक बात बताओ, प्रोविजन फॉर बैड डेट, नाम सुना है आपने? अब इससे पहले हमने डेप्रिसिएशन के अंदर पढ़ा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, याद आया कुछ? अब बेटा अगर ध्यान से समझो तो ये दोनों आपके लिए नॉन लॉस है। नॉन मतलब आपको पहले से ही पता है कि ये हो सकता है, मतलब बैड डेट हो गया, ये लॉस हो गया, तो इस लॉस को रिकवर करने के लिए आपने पैसा संभाल के रखा है। आपको पता है कि आपका एसेट है, डेप्रिशिएट होगा, तो उस डेप्रिशिएशन के एक्सपेंस को कवर अप करने के लिए आप पहले से कुछ पैसा रिजर्व में रख रहे हो। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो प्रोविजन आप बना रहे हो, इस रिजर्व को हम इसलिए रखते हैं ताकि फ्यूचर में जितने भी लॉस होने वाले हैं उसको रिकवर कर सके। बात समझ में आई? ठीक है, अब मैं एक बात ध्यान से समझना जरा, ठीक है? हालांकि ये चीज आपके 12th में आने वाला है, बट अभी थोड़ा सा उसके बारे में समझना। बट एक बात बताओ, अगर आपने कुछ पैसा रिजर्व में रखा, ठीक है, तो कल को जाकर के वो आपके बिजनेस के प्रॉफिट को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? इंक्रीज करेगा, बिकॉज रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। कैसे, जरा समझना। सपोज करो आपके बिजनेस में बेटा 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, आपने क्या सोचा कि हम इसमें से 2 लाख रुपए का रिजर्व बना के रख लेते हैं, मतलब कुछ पैसा सेव करके रख लेते हैं। तो बेटा एक्चुअल में प्रॉफिट कितना हुआ आपका? 8 लाख रुपए का। ये बात समझ में आई जयंत? ये बात समझ में आई? ठीक है, हाँ रजत। रुको रुको, वही तो समझा रहा हूं। अब इधर देखो, तो 10 लाख रुपए आपके बिजनेस का टोटल प्रॉफिट आया था, उसमें से आपने 2 लाख रुपए रख लिए रिजर्व में, बाकी 8 लाख रुपए आपने अपने पास अपने शेयर का रख लिया। मतलब लेट सपोज आपका बिजनेस पार्टनरशिप का है, तो दो पार्टनर थे, तो 10 लाख रुपए के प्रॉफिट में 2 लाख रुपए तो आपने बिजनेस के रिजर्व में रख लिए, और वो 8 लाख रुपए आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, 4 लाख 4 लाख। ये समझ में आया शर्मा? अच्छा, अब एक बात बताओ, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, वो रिजर्व अभी भी तुम्हारे पास बचा हुआ है, उसका कहीं पे यूज नहीं हुआ, तो क्या ऐसा करोगे फिर वो रिजर्व आपस में बांट लोगे दोनों लोग? अच्छा, तो क्या बच्चों ऐसा मैं बोल सकता हूं कि रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, ऐसा बोल सकता हूं? ओके, अच्छा, अब इसने बोला सर प्रोविजन, फिर क्या दोनों में फर्क क्या है? तो अब जरा ध्यान से सुनना। सपोज करो आपके पास एक एसेट है, अब आपको पता है कि आने वाले टाइम में वो डेप्रिशिएट होगा, एग्री करते हो? अच्छा, तो उसके लिए कुछ पैसा रिजर्व कर रहे हो, जिसको मैं प्रोविजन बोलूंगा, मानते हो? ठीक है, अब सपोज करो 10 लाख के प्रॉफिट में से आपने क्या किया, 2 लाख रुपए डाल लिए रिजर्व में, 2 लाख रुपए डाल दिए रिजर्व में, और 1 लाख रुपए डाल दिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के लिए, और बाकी बचा 7 लाख रुपए आपने क्या किया, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब एक बात बताओ शर्मा, ये जो 1 लाख रुपए आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाया था, तो क्या ये बाद में जैसे जैसे डेप्रिशिएट होती जाएगी मशीनरी, वहां पर ये पैसा यूज हो जाएगा? अच्छा, तो इसका मतलब क्या है कि कल को रिजर्व बच गया तो उसको आप लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, लेकिन जो प्रोविजन बनाया है उसकी वजह से आपका प्रॉफिट 10 के बजाय 9 लाख रुपए का हो गया, क्योंकि 10 लाख में से 1 लाख रुपए का प्रोविजन था। तो बेटा ये चीज समझ में आई, प्रोविजन की वजह से आपका बिजनेस का प्रॉफिट कम होता है, लेकिन रिजर्व प्रॉफिट का पार्ट होता है। ये बात सबको समझ में आई? हाँ, काइंड ऑफ बोल सकते हैं, है ना? रिटेन्ड अर्निंग का मतलब ये होता है कि जैसे कि हर साल ना बिजनेस अपने प्रॉफिट में से रिजर्व बनाता है, तो
कि अगर कोई अनसर्टेन सिचुएशन आई तो हम उस रिजर्व को यूज कर लेंगे, बट मान लो पूरा साल खत्म हो गया, कोई अनसर्टेनिटी नहीं आई, तो वो रिजर्व अब आपके लिए रिटेन्ड अर्निंग बन जाएगा, बात समझे? लेकिन प्रोविजन क्या होगा, वो उस लॉस के लिए यूज होगा ही होगा। ओके, अब आते हैं हम जरा इसके डिफरेंस पे। बेटा ये 8 पॉइंट्स हैं, अगर ये 8 पॉइंट समझ में आ गए, प्रोविजन अभी के अभी क्लियर हो जाएगा, प्रोविजन एंड रिजर्व। पहली चीज, प्रोविजन बनाते हैं बेटा फॉर टू मीट अ नोन लाइबिलिटी। जैसे कि आप प्रोविजन बना रहे हो बैड डेट के लिए, आप प्रोविजन बना रहे हो डेप्रिसिएशन के लिए, तो आपको यह बात पता है कि आप प्रोविजन किस चीज के लिए बना रहे हो, ठीक है? लेकिन रिजर्व इसलिए बनाते हो बेटा सो दैट आपके बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो स्ट्रेंथ हो जाए, मतलब वो स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि जितना पैसा आपके पास रिजर्व में पड़ा होगा बेटा, आप उतने ही ज्यादा बिजनेस वाइज सिक्योर्ड रहोगे, समझे? ओके, नेक्स्ट पॉइंट बेटा, प्रोविजन आर चार्ज्ड अगेंस्ट प्रॉफिट, क्योंकि प्रोविजन की वजह से प्रॉफिट क्या होता है, कम होता है। ये बात समझे सब लोग? ओके, लेकिन रिजर्व इज एन एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन इज बेसिकली पार्ट ऑफ द प्रॉफिट। क्लियर एवरीबॉडी? सारे बच्चे, बाकी सारे ठीक है? ऑब्जेक्टिव बेटा, प्रोविजन इसलिए बनाया जाता है ताकि जो आपकी नोन लाइबिलिटी है, ठीक है, जो कि अभी आप एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसके लिए कुछ पैसा सेव करके रख लो। जैसे कि भाई तुमने मशीनरी खरीदी, अब वो कितने साल बाद खराब हो जाएगी आपको एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन उसके लिए आप अभी से अगर प्रोविजन यानी रिजर्व बनाते चलोगे तो कल को जब दोबारा मशीनरी खरीदनी होगी तो आपके पास पैसे पहले से कुछ सेव होंगे। बात समझे सब लोग? ठीक है, जबकि रिजर्व में क्या होता है बेटा, अगर आपने रिजर्व बना के रखा है तो रिजर्व से ये होगा कि आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होती जाएगी। अब एक एग्जांपल बताता हूं, जब ये कोरोना टाइम आया बेटा, एक रियलिटी एग्जांपल देता हूं। अब एक बात बताओ, क्या ये जो शॉपिंग मॉल वगैरह ये जितने भी होते हैं वहां पे जितने भी बड़े बड़े ब्रांड होते हैं वो अफेक्ट हुए कि नहीं हुए? हुए। अच्छा, अब एक नाम बताता हूं, बेनेटन, नाम सुना है इस ब्रांड का? बेटा अकेली ऐसी कंपनी थी जो कोविड आने के बावजूद इनके पास 1 साल तक का बैकअप है, मतलब जैसे बाकी सारी कंपनीज ने क्या किए, अपने इंप्लॉयज की सैलरी कट करके देने लगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने यही बोला कि सर जब बिजनेस में पैसा ही जनरेट नहीं हो रहा तो हम आपको कहां से देंगे। बट बेटा बेनेटन कंपनी ने अपने इंप्लॉयज की सैलरी काटी ही नहीं, उन्होंने ये बोला कि हमारे पास रिजर्व्स इतना ज्यादा है कि हम 1 साल तक विदाउट एनी सेल, मतलब विदाउट एनी रेवेन्यू बड़े आराम से सरवाइव कर सकते हैं। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि बेनेटेन के पास 1 साल तक का रिजर्व पड़ा हुआ है? ठीक है, अब एक बात बताओ, उस इस वजह से उनकी ब्रांड इमेज अच्छी हुई कि नहीं हुई? हुई। तो बेटा इसकी वजह से उनकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग हुई कि नहीं हुई? तो बेटा ये क्यों हुआ? जस्ट बिकॉज उन्होंने रिजर्व क्रिएट करके रखा हुआ था कई सालों से, समझे सब लोग? ठीक है, अब इधर देखो, क्या नाम है, प्रोविजन क्या होता है, इट इज डेबिटेड टू दी प्रॉफिट। बेटा प्रॉफिट में डेबिटेड हो रहा है, इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है या कम? कम, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट इसकी वजह से क्या होता है, रिड्यूस्ड होता है। क्लियर एवरीवन? ठीक है, जबकि रिजर्व क्या करता है बेटा, रिड्यूस द डिविजिबल प्रॉफिट। अब याद करो, एक एग्जांपल अभी बताया था कि बिजनेस में 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, आपने उसमें से क्या किया, 2 लाख रुपए रिजर्व में रख लिए, तो बेटा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ 8 लाख रुपए, यानी 4-4 लाख रुपए। ये चीज नोटिस की सबने? तो अगर आप रिजर्व नहीं बनाते तो आप दोनों पार्टनर्स को 5-5 लाख रुपए मिलता, लेकिन आपने रिजर्व बना लिया तो उसकी वजह से पार्टनर्स को मतलब जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो रिड्यूस हो गया, समझे सब लोग? ठीक है, अच्छा, अब जरा ध्यान से देखना, प्रोविजन आर टू बी क्रिएटेड इवन इफ देयर इज इनसफिशियंट प्रॉफिट।
बेटा प्रोविजन आप बनाते हैं नॉन लाइबिलिटी के लिए, तो अगर आपके बिजनेस को प्रॉफिट कम भी होगा ना तो भी आपको वो प्रोविजन बनाना जरूरी है, लेकिन रिजर्व आप तभी बनाओगे जब आपके पास सफिशियंट अमाउंट का प्रॉफिट होगा। जैसे सपोज करो मैं इनकम अर्न करता हूं, ठीक है, अब सपोज करो मेरी सैलरी बहुत कम है तो मैं सिर्फ अपना सर्वाइवल देखूंगा, लेकिन अगर मेरी सैलरी बहुत अच्छी हो गई, एडिक्वेट हो गई, तो मैं उसमें से रिजर्व बनाना भी शुरू कर दूंगा। समझे सब लोग? हाँ गौतम, प्रोविजन तब भी बनाना जरूरी है, लेकिन रिजर्व तभी बनेगा जब एडिक्वेट प्रॉफिट हो, ठीक है। अच्छा, सिक्स पॉइंट अब हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेवेंथ पॉइंट देखो जरा बेटा, क्या हम प्रोविजन को इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं? तो बेटा प्रोविजन आप बनाते हो अपने बिजनेस के अनसर्टेनिटी के लिए, तो ये पैसा कहीं और जगह पे आप रख नहीं सकते, ये आप अपने पास ही रखोगे। लेकिन एक बात बताओ बेटा, बिजनेस का रिजर्व हम कहीं पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि बैंक में डाल दिया हो, पॉसिबिलिटी है? ठीक है, तो इसीलिए बेटा रिजर्व कैन बी इन्वेस्टेड, बट प्रोविजन आपके बिजनेस में ही रहेगा, वो कहीं इन्वेस्ट नहीं हो सकता, ठीक है। अब नेसेसिटी, ठीक है, प्रोविजन बनाना जरूरी है चाहे आपको प्रॉफिट कम हुआ हो या ज्यादा हुआ हो, लेकिन रिजर्व बनाना बेटा मैंडेटरी नहीं होता है। सारे बच्चे क्लियर है? सारे? हाँ इसकी जनरल एंट्री, जब ये चार्ज होता है तो प्रोविजन फॉर जो भी चीज होगा, ठीक है, प्रोविजन फॉर दैट अकाउंट इज टू मशीनरी अकाउंट। जैसे मान लो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, सो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, क्योंकि उसकी वजह से मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है। या फिर प्रोविजन फॉर समथिंग अकाउंट इज टू पीएनएल अकाउंट, क्योंकि उसकी वजह से प्रॉफिट कम हो रहा है। हाँ ओके, यहां तक सारे बच्चे क्लियर है भाई? हाँ अरे देखो, हम प्रोविजन क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारी मशीनरी की वैल्यू कम होनी, इसीलिए तो बना रहे हैं ना। तो मशीनरी अगर कम होगी तो डेबिट या क्रेडिट, बस इसीलिए, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, रिजर्व भी दो टाइप के होते हैं, हमने प्रोविजन और रिजर्व के बारे में समझ लिया, अब आपका एक टॉपिक बचता है दो टाइप के रिजर्व के बारे में। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, आपके दो टाइप के रिजर्व होते हैं, एक स्पेसिफिक रिजर्व होता है, एक जनरल रिजर्व होता है। जनरल रिजर्व बनाया जाता है बेटा फॉर एनी पर्पस, ठीक है, किसी भी पर्पस के लिए आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है, मतलब कोई भी लॉस हुआ आप उसके लिए यूज कर सकते हो। बट जो स्पेसिफिक रिजर्व होते हैं बेटा, वो स्पेशली प्रिपेयर किए जाते हैं आपके स्पेशल पर्पस के लिए। बात समझ में आई? ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल बताता हूं, सपोज करो हमने एक रिजर्व बनाया और उसका नाम रखा वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। अब एक बात बताओ, क्या इस रिजर्व का कोई स्पेसिफिक नाम है? क्या नाम है इस रिजर्व का? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, है ना, ध्यान से सुनना और समझना। सपोज करो आपका बिजनेस है और आपके बिजनेस में आपका फैक्ट्री है बेटा, है ना, उसमें आपके लेबर्स काम करते हैं। अब एक बात बताओ, ड्यूरिंग द ऑफिशियल टाइम अगर किसी लेबर को कोई इंजरी हो जाए तो बेटा उसकी जो केयर टेकिंग है वो खुद करेगा या आपका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हमारी है। बात समझ में आई सब बच्चों की ये चीज? अच्छा, अब अगर आपने वर्कर्स को कॉम्पनसेट करने के लिए कुछ रिजर्व बना के रखा है कि अगर किसी पर्टिकुलर वर्कर को चोट लग जाए या इन केस अगर कुछ सडन अनसर्टेनिटी हो जाए तो मैं वर्कर को कॉम्पनसेट करने के लिए एक अलग से रिजर्व बना रहा हूं, तो क्या मैं इसको स्पेसिफिक रिजर्व बोल सकता हूं? बात समझ में आई सब बच्चों के? ठीक है ओके। अब देखो बेटा, सो व्हाट इज स्पेसिफिक रिजर्व, इट इज क्रिएटेड फॉर द स्पेशल पर्पस। व्हाट इज जनरल रिजर्व, इट इज क्रिएटेड
इट इज नॉट क्रिएटेड फॉर एनी स्पेसिफिक, इट इज यूज फॉर जनरल पर्पज. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, स्पेसिफिक रिजर्व में इट इज नॉट अवेलेबल फॉर एनी फ्यूचर कंटिजेंसी और एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस. बेटा हम इसको बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए नहीं बल्कि किसी एक स्पेशल काम के लिए यूज करते हैं. सो इट विल बी यूटिलाइज ओनली फॉर दैट पर्पज विच इज फॉर विच इट इज क्रिएटेड. मतलब इस रिजर्व को बेटा हम उसी चीज के लिए यूज करेंगे जिस चीज के लिए हमने बनाया है. जबकि बेटा जनरल रिजर्व क्या होता है, किसी भी फ्यूचर कंटिजेंसी के लिए होता है. मतलब फ्यूचर में कोई भी अनसर्टेनिटी आई, हम जनरल रिजर्व से पैसा निकाल के यूज कर सकते हैं. ठीक है, और इसकी वजह से आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन भी स्ट्रेंथन होती है. क्लियर एवरीवन? ठीक है, अच्छा हाँ बेटा. बिल्कुल, अब ये एक चीज लिख रहा हूं बेटा, जल्दी से इसको नोट कर ले. हाँ ना 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 ना, बात प्रोविजन की नहीं है. प्रोविजन में क्या होगा, प्रोविजन के नाम जैसा होगा. स्पेसिफिक रिजर्व इज बेसिकली जो आपने रिजर्व बनाया बट स्पेशल पर्पस के लिए बनाया. ये पैसा भी बाद में ओनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अगर पूरे साल यूज नहीं हुआ. जैसे मान लो वर्कर्स को कॉम्पनसेट करने के लिए तुमने रिजर्व बना के रखा है, अब मान लो पूरे साल में किसी वर्कर को कुछ नहीं हुआ, तो वो पैसा फिर जो ओनर होता है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है आपस में. लेकिन प्रोविजन में ऐसा नहीं हो सकता. बेटा वो फिर अलग बात हो गई, उसको हम बोलेंगे विंडो ड्रेसिंग. शर्म नहीं आ रही बोलते हुए? तो कुछ नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है कि मतलब किसी भी वर्कर को कुछ भी दे देंगे पहले. जैसे क्या होता है, मैं अपने कॉर्पोरेट टाइम पे था, हम लोग को वो जैसे अगर सपोज करो मेडिकल की छुट्टियां मिलती थी, मेडिकल अलाउंस मिलता था. अब मेडिकल अलाउंस कंपनी ने ऑब्वियसली मेडिकल अलाउंस क्यों दे रही है, कंपनी ने मेडिकल रिजर्व्स बना के रखे होंगे. मेडिकल अलाउंस ऐसा नहीं कि कुछ भी जाके बिल जाके दे आ जाए. हम लोग बिल जाकर के अगर सबमिट करते थे कि सर ये मेरा मेडिकल अलाउंस इस हॉस्पिटल का है, वो पहले जाके चेक करके आते थे. मतलब उनका रिप्रेजेंटेटिव वहां जाके चेक करके आएंगे, जब सारी चीजें चेक होंगी वेरीफाइड होंगी तब जाकर के फिर वो कंप्लीट होता था वो प्रोसेस. ये बताओ सारे बच्चों को रिजर्व्स और प्रोविजन क्लियर हो गया? सारे ठीक है, मिलते हैं 5 मिनट में बेटा मेजर ऑफ डिस्पर्शन के लिए. नहीं, सेम लिंक, सेम लिंक.